नमस्कार, आज की ब्रीफिंग हम शुरू करते हैं गृह मंत्रालय की प्रवक्ता से। मैडम प्लीज स्टार्ट। नमस्कार, कल गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति दी है जो अलग अलग स्थानों पर लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, प्रवासी मजदूर, पर्यटक, तीर्थयात्री इत्यादि। राज्य सरकारों को इनके यात्रा की व्यवस्था करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अपने नोडल प्राधिकारी नियुक्त करेंगे जो ऐसे फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विकसित करेंगे। वे ऐसे स्टैंडर्ड व्यक्तियों का पंजीकरण भी करेंगे। संबंधित राज्य आपस में सलाह मशवरा करके सड़क मार्ग से यात्रा पर परस्पर सहमति बनाएंगे। जाने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी और एसिम्प्टोमैटिक पाए जाने पर उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी। समूह में यात्रा के लिए बस का प्रयोग किया जाएगा, बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बस में बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। ट्रांजिट रूट में आने वाले सभी राज्य इन लोगों की आवाजाही की अनुमति देंगे। गंतव्य पर पहुंचने के उपरांत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों का मेडिकल चेकअप करेंगे। यदि इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखेंगे। नियमित रूप से इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और इनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी राज्यों को इन सभी निर्देशों का सख्त अनुपालन करना होगा। इसके अलावा आज मैं आपके साथ हमारी दो इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स जो हैदराबाद और चेन्नई गई हैं, उनका भी फीडबैक शेयर करूंगी। हैदराबाद हमारी जो IMCT गई है, उन्होंने अस्पतालों का, सेंट्रल ड्रग स्टोर, शेल्टर होम्स, मंडी इत्यादि का दौरा किया। उन्होंने पाया कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट्स, PPE किट्स इत्यादि उपलब्ध हैं। राज्य सरकार एक एंड टू एंड IT डैशबोर्ड यूज कर मरीजों की टेस्टिंग से डिस्चार्ज तक ट्रैकिंग कर रही है। उन्होंने गांधी अस्पताल भी विजिट किया जो COVID-19 के लिए स्टेट नोडल सेंटर है और यहां टीम ने पाया कि इलाज और डिस्चार्ज के सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जा रहा है। इस अस्पताल में प्रदेश के 93% से ज्यादा केसेस का इलाज किया गया है और यहाँ पे 300 टेस्ट प्रतिदिन करने वाली लैबोरेटरी भी है। इलाज होने के बाद अस्पताल की गाड़ी पेशेंट को घर तक छोड़ती है और मोबाइल संदेश द्वारा भी 14 दिन होम क्वारंटाइन की सूचना देती है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को फ्री वाईफाई इत्यादि की भी सुविधा दी गई है। टीम ने किंग कोटी जिला अस्पताल का भी दौरा किया, वहां भी सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन हो रहा था और सैंपल कलेक्शन की सुविधा भी थी। टीम ने वहां सुझाव दिया कि अस्पताल में डॉनिंग और डॉफिंग एरियाज को दूर दूर होना चाहिए, कर्मचारियों और मरीजों के लिए अलग अलग कॉरिडोर होने चाहिए, कुछ वार्डों में अटैच शौचालय नहीं थे। टीम ने सलाह दी कि इन वार्डों में मरीजों को भर्ती ना करें जिससे कि सब लोग कॉमन कॉरिडोर में एकत्र ना हो। टीम ने हुमायूं नगर का कंटेनमेंट जोन भी विजिट किया जिसको बैरिकेड किया गया है। हाउस टू हाउस सर्वेलेंस वहां चल रही है। आवश्यक सामान और सेवाएं निगम द्वारा डोर स्टेप पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके लिए निगम स्टाफ और कंटेनमेंट जोन के निवासियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। कुछ हिस्सों में पुलिस द्वारा ड्रोन की मदद से निगरानी भी की जा रही है। टीम ने क्वारंटाइन सेंटर भी विजिट किया और वहां की स्थिति संतोषजनक पाई। IMCT ने सेंट्रल ड्रग स्टोर का स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखा जिसके द्वारा 44 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में दवाइयों के स्टॉक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। टीम ने एक शेल्टर होम का भी मुआयना किया। यहां सरकार द्वारा भोजन और अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुएं प्रदान की जा रही है। MyGHMC ऐप के द्वारा वे फूड कियोस्क की भी जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मोबाइल कैंटीन्स का बंदोबस्त किया है जो ओल्ड एज होम्स, नाइट शेल्टर्स, ऑर्फनेजेस, ट्रांसजेंडर्स को भी भोजन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। टीम ने अधिकांश स्थानों पर लॉकडाउन का अनुपालन सफल पाया और इसमें कम्युनिटी लीडर्स का भी योगदान रहा है। टीम ने यह भी पाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का अधिकांशतः पालन किया जा रहा है, परंतु कुछ निर्माण साइट पर उन्होंने श्रमिकों को बिना मास्क के पाया। टीम ने संबंधित अधिकारियों को ध्यान रखने के लिए सुझाव दिया और श्रमिकों का नियमित मेडिकल चेकअप कराने के लिए कहा। अब मैं थोड़ा सा IMCT चेन्नई का भी फीडबैक दूंगी। IMCT चेन्नई ने कंट्रोल रूम्स, विभिन्न विभागों के हेल्पलाइन, कॉल सेंटर फैसिलिटीज, कंटेनमेंट जोन्स, क्वारंटाइन सेंटर, कोविड और गैर कोविड अस्पताल, PTS शॉप्स, बैंक, मेडिकल शॉप्स, चिल्ड्रन होम, ओल्ड एज होम्स, फिशरमैन की बस्ती, स्लम्स, रिलीफ कैंप, इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स का दौरा किया और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की। टीम ने पाया कि तमिलनाडु में रिकवरी रेट काफी अच्छी है। 2,058 संक्रमित मरीजों में से 1,168 यानी कि 57% लोग ठीक हो गए हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए रिलीफ कैंप्स में उन्होंने पाया कि व्यवस्था अच्छी है और श्रमिक सुविधाओं से संतुष्ट है। TV, मेडिकल चेकअप और काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। लॉकडाउन के दौरान लोगों के लिए कैंटीन द्वारा भी दिन में 3 बार भोजन की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को वित्तीय सहायता, मुफ्त राशन तथा सब्सिडाइज रेट पर आवश्यक खाद्य पदार्थों के किट भी दिए जा रहे हैं। वहां पर मोबाइल सैंपल कलेक्शन वैन्स का प्रयोग हो रहा है जिससे लोगों की आवाजाही कम होती है, यह संक्रमण कम फैलने में सहायक होता है। टेस्ट रिपोर्ट्स 24 घंटे में उपलब्ध करा दी जाती है जो उन्होंने प्रशंसनीय पाया। कोविड टेलीकाउंसलिंग सेंटर और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेंटर भी प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। कोविड हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मरीजों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा भी बातचीत करते हैं। राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा के विरुद्ध भी उल्लेखनीय कदम उठाया है। पुलिस रिकॉर्ड्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार महिला पुलिस कांस्टेबल्स प्रोएक्टिवली उन घरों पर जाती हैं जहां डोमेस्टिक वायलेंस की आशंका है, जिससे कि इसको प्रिवेंट किया जा सके। अपने अनुभवों के आधार पर IMCT ने राज्य सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि भीड़भाड़ इलाकों में, स्लम्स में, बैंक की शाखाओं पर सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के लिए और पुख्ता कदम उठाएं। मछुआरों के गांव में भी COVID-19 संबंधी जागरूकता बढ़ाने की अति आवश्यकता है। अस्पतालों में जो रिश्तेदार प्रतीक्षा कर रहे हैं या लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी जरूरी है। हेल्थ केयर वर्कर्स में PPE का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। ट्रक ड्राइवर्स की भी स्क्रीनिंग करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया। हमारी आशा है कि केंद्र और राज्य सरकार के एकजुट प्रयास से COVID-19 के नियंत्रण में हम सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। पिछले 24 घंटों में देश में 1,718 नए केसेस आए हैं, जिससे कि देश में रिपोर्ट हुए टोटल केसेस की संख्या अब बढ़कर 33,050 केसेस हो चुकी है। अगर हम देखें जो हमारे पास अभी एक्टिव मेडिकल सुपरविजन के केसेस हैं, तो वह संख्या 23,651 है। पिछले 24 घंटे में 630 पेशेंट वो क्योर भी हो गए, जिससे कि हमारे टोटल क्योर्ड पेशेंट की संख्या बढ़कर अब 8,324 हो चुकी है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश में टोटल रिकवरी रेट प्रेजेंटली 25.19% है। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 13.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही हम लोगों ने अगर रिपोर्टेड डेथ केसेस की एनालिसिस करें तो पाया कि हमारे देश में केस फेटेलिटी करीब 3.2% नोट की गई है, जिसमें से 65% मेल और 35% फीमेल पेशेंट थे। अगर हम मॉर्टेलिटी का एज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें तो पाते हैं कि लेस देन 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड, 45 से 60 ईयर्स एज ग्रुप में 34.8% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड,
और 60 ईयर्स के अबव एज ग्रुप में 51.2% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड। उसमें भी अगर हम देखें कि 60 प्लस एज ग्रुप को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो 60 टू 75% में 42% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड और अबव 75 ईयर्स में भी हमारे पास 9.2% केसेस में केस फेटेलिटी नोट की गई है। इसके साथ ही 78% केसेस में जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उनमें कोमॉर्बिडिटीज भी पाई गई हैं। यह हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि कोविड 19 के संबंध में बोथ एल्डरली एज और कोमॉर्बिडिटीज रिस्क फैक्टर्स के रूप में पाए गए हैं। अगर हम देखें तो देश का डबलिंग रेट जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट्स उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्टेट देश के डबलिंग रेट से बेटर परफॉर्म कर रही हैं यानी कि वहां पर केसेस की डबलिंग 11 दिन से भी ज्यादा हो रही है, 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। इसके साथ ही कुछ स्टेट्स में अब 40 डेज का भी डबलिंग रेट नोट किया गया है, वह है असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। यह बात मुख्य है कि हमें समझना चाहिए कि ओवरऑल स्टेट का डबलिंग रेट अच्छा होते हुए भी हो सकता है कि उस स्टेट के कुछ जिलों में केसेस का डबलिंग रेट हाई हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग ये ऑब्जर्व करें, ये इंश्योर करें कि हमारा जहां एक ओवरऑल देश का डबलिंग रेट बढ़े यानी कि कम दिनों में ज्यादा दिनों में केसेस का डबलिंग हो, उसी हिसाब से हम अपने आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स में कंसंट्रेटेड वे में काम करें ताकि हम ओवरऑल डिजीज को इस देश में कंट्रोल कर सकें। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हमने सब स्टेट से फिर से डिस्कस किया, उनको रिक्वेस्ट किया है कि कोविड 19 के केसेस को मैनेज करते समय हम ये भी इंश्योर करें कि नॉन कोविड रिलेटेड इसेंशियल सर्विसेज सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती रहें। नॉन कोविड इसेंशियल सर्विसेज से संबंध में ऑलरेडी 20 अप्रैल को एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की गई थी जिसके तहत हमने कहा था कि वह मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हों, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हों, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रसी, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगी या साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर, डायलिसिस, ऐसी जो भी डिजीजेज हो उनकी सर्विसेज भी रेगुलरली लोगों को प्रोवाइड करती रहनी चाहिए। मिनिस्ट्री ने डायलिसिस के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल भी 7 अप्रैल को जारी किया था। साथ ही 9 अप्रैल को ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड सर्विसेज के लिए भी डिटेल गाइडलाइंस जारी की थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को लिखकर कहा था कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं उनके लोगों को क्योंकि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो ये इंश्योर किया जाए कि उनको प्रॉपर और अनइंटरप्टेड वे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज मिलती रहें। राज्य में ये भी कहा गया है कि प्राइवेट क्षेत्र के कई अस्पताल अपने रेगुलर पेशेंट्स को डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीमोथेरेपी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जैसी क्रिटिकल सर्विसेज को देने में किसी कारणवश भय की वजह से या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी कभी संकोच कर रहे हैं। वह अपने डर से अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक्स को भी बंद कर रखे हुए हैं। उन स्थानों पर कई जगह पर यह देखा गया है कि वह सर्विस प्रोवाइड करने से पहले टेस्टिंग के लिए भी इंसिस्ट कर रहे हैं। इस विषय में यह हाईलाइट किया जाता है कि जिन भी क्रिटिकल सर्विसेज की देश में आवश्यकता है सभी हेल्थ फैसिलिटी विशेषकर प्राइवेट सेक्टर ये फंक्शनल बनी रहे और किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल के अपने आदेश में भी यह स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था कि लॉकडाउन की अवधि में सारी हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें। कोविड 19 टेस्टिंग के संदर्भ में यह हाईलाइट करना बहुत आवश्यक है कि कोई भी हेल्थ फैसिलिटी जो भी किसी को टेस्ट प्रेस्क्राइब करे वह प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए। हमें एडिशनल टेस्टिंग प्रेस्क्राइब कर किसी को सर्विस रिफ्यूज नहीं करनी है। साथ ही हमें यह इंश्योर करना है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और उसके साथ ही इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल से रिलेटेड सभी गाइडलाइंस बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में सब तरीके से फॉलो की जाएं।
हेल्थ मिनिस्ट्री ने 20 अप्रैल को नॉन कोविड फैसिलिटीज में, नॉन कोविड हेल्थ फैसिलिटीज में अगर कोई कोविड 19 का पेशेंट कन्फर्म पता लगे तो उसको कैसे मैनेज करना है उससे संबंधित भी डिटेल दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनके तहत डिसइंफेक्शन के बाद ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज में सर्विसेज कंटिन्यू की जा सकती हैं। इन गाइडलाइंस को ट्रू लेटर और स्प्रिट में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोलॉन्ग समय के लिए बंद ना रहें, और साथ ही प्रोफाइल एक्सेस के रूप में हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाए, जिसके संबंधित डिटेल्ड एडवाइजरी भी ऑलरेडी जारी की जा चुकी है, और साथ ही हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन की सफिशियंट अवेलेबिलिटी भी फील्ड पर इंश्योर की गई है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर तरीके से सर्विस सुचारू रूप से चलती रहे। हमारी हेल्पलाइन भी जहां पर भी अगर कोई डिनायल ऑफ सर्विस रिलेटेड कोई कंप्लेन या कोई इशू रेज होता है तो वह भी स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से करते हुए इसको सॉल्व करें, इसको सॉर्ट आउट करें, और किसी को भी इसेंशियल क्रिटिकल सर्विसेज के लिए इनकार ना किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। पहला ऑनलाइन क्वेश्चन हेल्थ मिनिस्टर के लिए है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट ए हायर प्राइस फॉर प्राइवेट यूज। व्हाट स्टेप्स द मिनिस्ट्री कैन टेक सो दैट इट डज नॉट हैपन दैट द पीपल आर सेलिंग एट ए हायर प्राइस। सर, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के विषय में हम कई बार इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनका बड़ा लिमिटेड रोल है इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और सर्वेलेंस, और इसके तहत ही ICMR इसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इसको वह गाइड कर रही है कि कैसे रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अगर यूज़ की जाएँ तो किस तरीके से यूज़ किए जाएँ। इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, मुख्यतः हमारे को जन जागरूकता की ज़रूरत है कि सबसे पहले हम ये इंश्योर करें कि इसका बहुत लिमिटेड पर्पस है। एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है और एंटीबॉडीज का इससे केवल ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि अगर इसकी एंटीबॉडीज उस मनुष्य में बनी या नहीं बनी है। एज फार एज टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज कंसर्न, उसके लिए हमें RT-PCR टेस्ट को ही यूज करना है। कीपिंग इन व्यू यस्टरडेज ऑर्डर ऑफ द होम मिनिस्ट्री, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम BBC कॉरेस्पोंडेंट। गेटिंग स्ट्रैंडेड माइग्रेंट लेबरर्स from far off places, it is not possible to transport them by buses. Many state governments have asked for running of the special trains. Is the government of India or the Home Ministry considering to consider this proposal? अभी तो आदेश जो आपके साथ मैंने शेयर किया है वो बसेस का यूज करने का है। कमल फ्रॉम इंडिया टुडे। I think Home Ministry can clarify, but the beginning. The order is very clear. It's about groups of persons. You have to take the permission from the starting point as well as coordinate with the ending point. That is normally the procedure. Yeah, come. Ma'am, we don't have a concept of copyright in medicine. I'll just like to highlight. And remdesivir is one of the medical protocol which is being examined world over. And beside that, there are other protocols which are being considered. I have highlighted it in earlier times also. So based on how the situation emerged, because as of now, there is no confirmed treatment in terms of identification that this is the particular treatment protocol which has to be followed. All are still under examination. If you are talking about remdesivir, so it is also one of the study which has got published, which also was done by United States National Institute of Allergic and Infectious Diseases. There also the study did not conclusively prove as of now that yes, it is going to be 100% helpful. However, we are waiting for larger evidence to be generated for us to take a meaningful action at the field level. So there is a Hyderabad-based lab which is going to control both of viruses at the CCMV lab. Would you be able to elaborate on that? Ma'am, there are a lot of experimentation going on across the country in collaboration with Department of Science and Technology, Department of Biotechnology and ICMR. And all, whatever experiment we are doing presently, we are waiting for them to give a conclusive evidence in terms of taking a meaningful action in the field level. Mr. Brikant Prabhakar, Sahara TV. या कितनी मेडिसिन आप लोगों के पास ट्रायल के लिए आई
So we have discussed in greater detail even in earlier times. As I again mentioned just now, there are multiple organizations within our multiple ministries which are coordinating large amount of trials across the field level. There are few vaccine candidates which have been identified across the world, and we are also collaborating with solidarity trial along with WHO in terms of those. Our institutes, private institutes across the country are also engaged with those trials in collaboration with our ministry. However, it is important to understand that development of a vaccine or development of a drug is a time-consuming process. There are different stages which have to be passed in terms of understanding that it will be safe and efficacious in terms of usage at the human level. So based on that, all the different stages, I mean, the trials are at different levels. Nothing conclusive have come in terms of identifying. As far as India is concerned, we had identified hydroxychloroquine to begin with as a prophylaxis treatment. Another online question. The government has shared the definition of various red zones, orange zones and green zones. However, it is not clear whether services like e-commerce will resume from Monday in areas falling on in the red and orange zones. Can the response be given? This is from Sunil Dang, editor of Day After. We should wait for the new orders to come out. Okay. Mohit Dubey, News Nation. हेलो सर, मेरा सवाल आपसे है कि जो आपने अभी स्थितियां बताई हैं कि लगातार जो कोरोना संक्रमण है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, जो प्रदेशों की जो स्थितियां हैं वहां पे भी परफॉर्मेंस ठीक है, तो क्या लॉकडाउन का जो वक्त है वो 3 तारीख तक ही है? हेल्थ मिनिस्ट्री क्या एडवाइस करेगी कि क्या आने वाले दिनों में लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि लॉकडाउन की स्थितियाँ आगे क्या होने वाली हैं? सर, फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री साइड वी आर वेरी क्लियर, वी हैव टू इंश्योर कि जो एक फिजिकल डिस्टेंसिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक बिहेवियरल चेंज के रूप में अपनी दिन जो अपनी रेगुलर प्रतिचर्या है जो है उसमें उसको इंक्लूड करें ताकि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें। उसके साथ ही उतना ही जरूरी है कि हम कंटेनमेंट मेजर्स पर फोकस करें। जैसे मैंने आपको बताया है हमारे यहाँ कुछ सक्सेसेस हैं, काफ़ी अच्छी सक्सेसेस हैं। उसके साथ ही हमारे यहाँ कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी डेवलप होते हैं, तो हम स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जो भी हमारे एरियाज है जहाँ पर कि ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं वहाँ पर बोथ फिजिकल डिस्टेंसिंग एज वेल एज कंटेनमेंट मेजर्स पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। Online, in fact, this is not a question, it's a suggestion to the health ministry that health ministry should make public the list of all dedicated COVID hospitals across India so that the patients know where to go. But I think this has been discussed earlier. Prashant, AVP News. Okay. So last question from Ashok, ANI. Sir, how many RT-PCR tests at present does India have and how many more will import in the coming days? What is the estimate timeline? Sir, as we have discussed earlier also, RT-PCR test availability from one single lab, today we have taken it to 292 government facilities and 97 private facilities across the country. So we have progressively scaled it up, and from the fact that we were doing few hundreds per day, now, just to bring to your kind notice, we have come to the level where yesterday in the country 58,686 tests have been done. And if you see the average number of tests performed per day for the RT-PCR in the country for the last 5 days, the figure has progressively increased and it has come to 49,800 tests on an average per day conducted in the last 5 days. The point I would like to submit and highlight to you presently is that it is important to understand that as and when whatever capacity needs to be created in terms of testing for RT-PCR test, country has kept on progressively increasing its capacity and it has ensured that all people who needed to be tested as per the protocol get tested. Thank you very much. Friends, thank you.